मेरा दूसरा साल शादी को कंप्लीट होने वाला है, तो इससे पहले मेरा एक बच्चा था जो मतलब मिसकैरेज हो गया था। तो जब बाहर कहीं दिखाया तो उन्होंने बोला कि बच्चा ठीक था, कोई शक्ति उसे खा गई है कुछ ऐसा। कितने साल हुए था आप लोगों को? आप 3 साल बाद। आप कितने साल हुए थे? 14 साल। तो देखा 14 साल 3 साल, मतलब परीक्षा, भगवान ने इतनी परीक्षाएं होती थी उनके लिए। नहीं तो कहते हैं ना कि सुनी कोक को भरना और दुख विपता को भरना सुरकंडा देव बोली का एक मुख्य माध्यमक आ जाता है। जहाँ डॉक्टर ने भी बोल देते कि अब आपका बच्चा नहीं होगा, कहीं से भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि होने की। उसके बाद दीदी आपसे एक सवाल करूँ कि आप कितना साल में आपने फल की प्राप्ति हुई? मैं 33 साल में फल की प्राप्ति हुई। पहले गांठ मैया के फर्क पड़ी तो चला, पर विश्वास माँ के प्रति इतना था कि देखिए बिना गांठों के बिना किसी परहेज के माँ ने उनको एक सुंदर सा मन में कामना लेके आई थी कि मैं माँ तुझ पे एक विश्वास रखती हूँ, मेरे से परहेज और कुछ कई परेशानियां जो है। जय माता दी सभी को, आप सभी का स्वागत है सुरकंडा देवडोली परिवार में। तो दोस्तों आज जो है माता का दिव्य दरबार लगा हुआ है, जैसे कि आपको पता है हर रविवार को माता का दिव्य दरबार लगता है। और दोस्तों जो आज की स्पेशल वीडियो है आपके सामने, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, निसंतान लोगों को किस कितने सालों में मतलब संतान की प्राप्ति हुई है माता के दरबार में आकर, उन सबसे आपको मिलवाऊंगा। और आप इस वीडियो में बने रहिए और आपसे उनसे बात कराता हूँ, किसी को 3 साल में, किसी को 14 साल में, किसी को 6 साल में संतान प्राप्ति हुई है। तो आप खुद उनको देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए और उनको कितना मतलब माता ने उनको दिया है और उनकी संतान हुई है इस दरबार से। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी को आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं सुरकंडा देवडोली के सुंदर से प्रांगण से। तो बड़ा हर्ष का विषय है और बड़ा चौंकाने वाला विषय भी है, कईयों के लिए चौंकाने वाला और कईयों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। तो कहते हैं ना कि सुनी कोक को भरना और दुख विपता को भरना सुरकंडा देवडोली का एक मुख्य माध्यम कहा जाता है, जहां देवी जो है अपने भक्तों को भी निराश अपने दरबार से जाने नहीं देती। तो ऐसे हमारे बीच हमारी दीदी माता जी बैठी हैं जो एक समय पर बड़ी निराश होकर बड़े उदास होकर मन लेकर देवी के पास आई थी, यह कहकर कि संतान की कामना आपने सुनी होगी। जो कई माता बहनों को काफी समय से दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उसका निवारण जो माँ भगवती सुरकंडा ने अपने इस दरबार से किया है, इसका मैं बोलकर ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा, आपको प्रत्यक्ष दिखाकर आप सामने ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे बीच दीदी हैं, तो दीदी मैं आपको नौ पूछ लूँ और सबसे पहले पूछ लूँ, आप कक बेटिन इस दरबार से जुड़े, कक बेटिन आप आया छन? हम सैलाकुई से। अच्छा, सैलाकुई देहरादून बेटे आप लोग आए। तो कक बेटे मतलब आपन जानी की सुरकंडा देवडोली तक हम जोला या देवडोली में जा अर्ता के बेटे आपते निवारण में। तो मैं चाची को बड़े धन्य कर दू, धन्यवाद कर दू कि आपने एक जो अपना अपना एक सही सुबाटो दिखाई। तो हमारा साथ एक दीदी और छन, आप दीदी कख बेटिन आया? अच्छा, कख बेटिन आपन जानी की सुरकंडा देवडोली में? परीक्षा भगवान ने इतनी परीक्षाएं होती थी उनके लिए, नहीं पर आखिर में जो फल ही होते हैं बड़ा सुंदर फल आप का सामने चाह क्या आपकी क्या नो नहीं उन्होंने आप लड़की देखा कन्या भगवती ने स्वयं आप अपना रूप में आई का घर में आयो के कोक में विराजमान हुएगी। तो ये थी बड़ी खुशी की बात। आपसे एक सवाल कर दूं कि आप कितना साल में आपने फल की प्राप्ति हुई? मैं 33 साल में फल की प्राप्ति हुई। अच्छा, पहले गांठ मैया के फर्क पड़ी तो चला। तो बड़ो धन्य और बड़ा आपकी जो चीज देवी ने जो परीक्षा ली 3 साल तक आपते मैं मान सकता हूँ कि आप दर दर की ठोकर आप लोगों ने खाई बोला, आपका आंसू जो हम देख रहे दरबार में, तो आज जगदम्बा नहीं होते इतना बड़ा सुंदर फल दे रही। तो मैं आप लोगों का बीच में यू बोल चाह कि देखा आप कभी निराश ना हो, कई माता बहन ये वीडियो का माध्यम से भी मैं पता चली हमसे जुड़ला या अभी तक घर में सोचने वाले लगे जन यून भी सोची बोलू कि हम कख जो कन जो भटकी वाला, पर देखा सुरकंडा देवडोली का आज ची मन को विश्वास ची आप लोग कभी निराश ना मान, एक बार भगवान को हाथ पकड़ के देखा आपको सदैव और समृद्धि को बांटो आपते मिलू। जय माँ सुरकंडा, सुरकंडा जय माँ सुरकंडा देवडोली दरबार। आज विश्वास को एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों का बीच में ची एक छोटी सी कन्या, कन्या दीदी आपकी नौनी है भगवती ने माँ जगदम्बा नहीं होते फल दिनी स्वयं भगवती रूप माँ दीदी का कुक में देवी ने जो है जन्म लिया। दीदी सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आपने गढ़वाली ऊँधी ची कि आपका कंफर्ट के हिसाब से हमसे आप दर बात कोला। तो देखा आज विश्वास का एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके बीच है, दीदी का जो है माँ जगदम्बा ने जो है स्वयं जन्म लिया है देवी की कुक में। और कई संत दीदियाँ यहाँ पर आती हैं जिनके कई परहेज चलते हैं, कई संतान कांटे से आते हैं, पर दीदी मन में कामना लेके आई थी कि मैं माँ तुझ पे एक विश्वास रखती हूँ,
मेरे से परहेज और कुछ कई परेशानियां जो हैं दीदी की जिंदगी में या लाइफ में कभी आई होंगी, तो परहेज से दीदी घबरा गई, पर विश्वास माँ के प्रति इतना था कि देखिए बिना गांठों के बिना किसी परहेज के माँ ने उनको एक सुंदर सा फल दिया है। स्वयं माँ भगवती एक अपने रूप में दीदी के गोद में आज बैठी हुई है। तो आप देख रहे हैं छोटी सी कन्या आप लोगों के बीच में है। तो मैं दीदी से पहले सबसे पहले तो ये पूछूंगा, दीदी आप कहाँ से हैं? गर्म पानी। कहाँ पड़ता है ये जगह? नैनीताल साइड। नैनीताल, नैनीताल में भी माँ जगदम्बा का एक इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि दूर दूर से माँ से जगदम्बा एक हमारा परिवार जो है बन रहा है। दीदी कितने साल आप कितना परेशान रहे? मेरा दूसरा साल शादी को कम्प्लीट होने वाला है, तो इससे पहले मेरा एक बच्चा था जो मतलब मिसकैरेज हो गया था। तो जब बाहर कहीं दिखाया तो उन्होंने बोला कि बच्चा ठीक था, कोई शक्ति उसे खा गई है, कुछ ऐसा कुछ बताया था। तो बहुत परेशान थी, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब आपका बच्चा नहीं होगा, कहीं से भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि होने की। उसके बाद फिर ये हुई ये की, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि बच्चा मर गया है पेट के अंदर ही। तो फिर लास्ट मैंने यही नाम लिया था कि अगर मेरा बच्चा सही सलामत होगा तो मैं वहाँ पर सर झुकाने आऊँगी इसका। तो देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है, विश्वास आपने हमारे गुरुवर हमारे महाराज जी से के भी मुखारविंद से कभी बार सुना होगा कि विश्वास और आस अगर आप लोगों की सच्ची है तो आप इस सुरकंडा देवदूरी दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऐसा ही एक प्रमाण आप लोगों के बीच में है। देखिए कई परीक्षाएं, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की परीक्षा थी जिसमें दीदी आज सफल हो चुकी हैं और दीदी के हाथ में एक सुंदर सी कन्या हमारे बीच है। तो मैं आप लोगों को एक यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपना आश विश्वास कभी भगवान से ना तोड़े, चाहे आप कहीं से भी हो, कहीं किसी कहीं दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हो, आपने मन में अगर सुरकंडा देवी दिव्य डोली दरबार के बारे में अगर आपने एक बार मन में आस कर ली तो आप कभी खाली हाथ जाएंगे। मन में दीदी कई प्रकार का संघर्ष रहा, कई दरबारों में दीदी जो है अपनी आस लेके गई, एक विश्वास लेके गई, पर दीदी का जो है कार्य नहीं बन पाया। मैं ये ना से दरबार से जुड़े, कहाँ से आपको दरबार के बारे में पता चला? इंस्टाग्राम में मेरे कई सारे दोस्त हैं जो गढ़वाल के हैं, उन्होंने फॉलो किया था, तो वही मेरे पास वीडियोस आई, मैंने देखी। उसके बाद कोई अनुज नेगी जी हैं और दीपक जी हैं, मैंने उनकी यूट्यूब वगैरह चेक किए, उनकी रील्स वगैरह चेक करी, तो सब चीज़ें देखी। तो मैंने मांगी थी कि चलो एक बार मांगती हूँ, क्या पता सच हो जाए, तो उस दरबार में जाने में क्या बुराई है, तो फिर मैं यहाँ पर आई थी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है दीदी हमसे जुड़ी हैं और अब मैं तो यही मानता हूँ कि दीदी सदैव के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी, परिवार हमारा बन चुका है। तो मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आश और विश्वास पर सब कुछ टिका हुआ है। जय माता।